जिस दिन से रमशा इस घर से और आपकी जिंदगी से गई है, इस घर से खुशियां चली गई हैं। कभी कभी तो मुझे इस बात पर यकीन हो जाता है कि हमने रमशा का दिल बहुत दुखाया है। नहीं, तुम क्या कह रही? हर्षा बहुत अच्छी लड़की थी, हालांकि रजा के लिए खुद को बदल लिया था उसने। आपसे मुखलिस हो गई, आपसे मोहब्बत करने लग गई, लेकिन आप तो उसकी कदर नहीं की। दुनिया मुकफात है मैंने भाई, शर्मिंदगी तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं हुई शान, जब तुमने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया, सर से छत तक छीन नी जिंदगी के साथ साथ तुमने मुझे इस घर से भी निकाल दिया, तब तुम्हें तुम्हें शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई? मैंने तुम्हें माफ किया शान, मैंने तुम्हें इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि मेरा दिल नरम हो गया, इसलिए माफ किया क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ना नफरत का और ना बदले का। जी, वो चेक मैंने ऑथराइज कर दिया, आप वो जमा करवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अफनान शानी क्यों आया था? शानी, आपको किसने कहा कि शानी आया था? अरे मैंने खुद उसे घर से जाते हुए देखा है। कोई बात हुई है क्या? हाँ, शानी आया था ना, मैं भूल गया। शानी एक नई दुकान का सेटअप लगा रहा है। तो उसी लिए वो कुछ डिस्कस करने के लिए आया था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि शायद वो अपनी माँ के साथ सिर्फ रमशा को ड्रॉप करने आया। रमशा है कहाँ? आई क्यों नहीं अभी तक? कब तक आएगी वो? उसके चाचू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जब तक ठीक नहीं होती मेरा ख्याल है तब तक तो वो नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी, हेलो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इस लड़के का क्या करूं? जिंदगी भर इसने अपनी मनमानी की है, मजाल है कोई एक बात मेरी मान ली। तुम बताओ क्या जरूरत थी इस तरह अफनान के घर जाने की? क्या जरूरत थी? बुलाओ जरा इसे, दो चार जूते लगाऊंगा ना तब बात समझ आएगी। अनवर रहने दीजिए ना, आप उसे सामने देखेंगे तो और गुस्सा आएगा। आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हुआ है। बताए, मैंने शानी को बहुत डांटा है और रमशा से माफी भी मांगी है शानी के रवैये की।
बेचारी इतनी परेशान हो रही थी रमशा, ये कोई हरकत नहीं करने की। अजीब जज्बाती लड़का है, सोचता समझता है नहीं, बिला वजह उठ के वहां पहुंच गया। इसी सूरत मानी जाना चाहिए था। इसे याद रखना चाहिए कि ये रमशा का कजन तो है ही, साहब का शौहर भी है। कैसे चला गया ये अफनान से मिलने के लिए? पता है, रमशा बेचारी ना बहुत परेशान थी, रो रही थी। अनवर, वो बहुत परेशान हो रही थी। अब देखे ना, इस लड़के की एक गलती की वजह से, एक बेवकूफी की वजह से सबको भुगतना पड़ रहा है, सब परेशान हो। और वो ऐनी के रिश्ते वाले हैं ना, वो आना चाह रहे थे। अब आप मुझे बताएं, एक तो ये फड्डा पड़ा हुआ है, रमशा घर बैठी हुई है, मैं वो रिश्ते वालों को कैसे बुलाऊं घर में? बस तुम एक काम करो, उनको ना किसी तरीके से कोई बहाना बना के टाल दो। जब तक रमशा यहाँ पे है, उनका यहाँ आना इस तरह ठीक नहीं होगा। रमशा चली जाए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, परेशान करके रख दिया है। अली से तुम मानो ना मानो, जरूर अफनान कुछ छुपा रहा है। मैंने शानी को खुद इस घर से जाते हुए देखा है, और वो गुस्से में भी था, उसका रंग बिल्कुल उतरा हुआ था। जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। मामा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो हुआ है। एक तो आज मुझे भी ऑफिस जाना था, वरना कुछ तो सुनगुन मिलती, और ये अफनान तो हमें कुछ नहीं बताने वाला है। जाहिर सी बात है, वो हमें क्यों बताएगा? उसे पता है अगर उसने कुछ कहा ना तो उल्टी हम उसको ही बातें सुनाएंगे। मामा, आप रमशा को कॉल करें, उससे पूछें, कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ेगा ना। बल्कि वो उसके चाचू की तबीयत खराब थी ना, आप उनकी खैरियत पूछें और फिर आगे बात करने की कोशिश करें। ये हो सकता है।